बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सीनियर सहाफी आरफ हमीद भट्टी ने दावा किया है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ पर्चे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का नुमाया किरदार है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी एक तनाज़ा बन चुकी है। अभी तक वाजिया नहीं हो सका कि किसके कहने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मारूफ सहाफी आरफ हमीद का कहना है कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR में मोहम्मद जुबैर का नुमाया किरदार रहा है। इस पर्चे में और उस बाकी काम में जुबैर साहब का नुमाया रोल है। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। जब मोहम्मद जुबैर की मुलाकात 4-4 घंटे रही, इसके बाद इदारों पर तनकीद शुरू हुई। इन्होंने कहा कि नून लीग का मौकफ है कि IG सिंध को रात 4 बजे अगवा किया गया, मगर अफसोस की बात तो ये है कि अगर इस पर इस्तीफा बनता था तो वजीर आला मुराद अली शाह को देना चाहिए था। अब सियासतदानों को बड़ा हो जाना चाहिए, अपनी सियासी लड़ाई में इख्तलाफ राय को दुश्मनियों में ना बदला जाए और कानून के पांव तले ना रोंदा जाए और आईनी तरीके से मसाइल हल किए जाएं। वाज़ेह है कि 18 अक्टूबर को नून लीग की क्यादत ने मज़ारे कायद पर हाजिरी दी थी। इस दौरान कैप्टन सफदर की जानब से नारेबाजी की गई, बाद अज़ा इन्हें होटल से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एक तासर दिया गया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पुलिस ने रेंजर के दबाव पर की है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।